भिवानी में पिछले 61 दिनों से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान पीटीआई टीचरों ने नारेबाजी करते हुए नौकरी की मांग की और अपनी गिरफ्तारियां दी। आपको बता दें कि पीटीआई टीचर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हुड्डा पार्क के सामने एकत्रित हुए। इस दौरान नारेबाजी करते हुए भिवानी के लघु सचिवालय पहुंचे। लघु सचिवालय में कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1983 पीटीआई टीचरों को बर्खास्त कर दिया गया था और उसके बाद इन्होंने प्रदेश भर में सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आज बर्खास्त कर्मचारी एवं अन्य संगठनों के कर्मचारी जेल भरो आंदोलन के लिए शहर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुदर्शन सुरोहा ने बताया कि आज इन कर्मचारियों का आंदोलन 61वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने इसकी सुध नहीं ली। इन्होंने कहा कि इनके घर में स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। मकान का किराया, स्कूल की फीस, दूध का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार चाहे तो अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर इनका समाधान कर सकती है और इन्हें बहाल कर सकती है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। भिवानी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मैं सुखदर्शन सरोवा, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज जो पीटीआई का जो आंदोलन चला हुआ है, 1983 पीटीआई जो हरियाणा सरकार ने बर्खास्त कर दिए, आज इनका 61वां दिन है और आज ये पूरे हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे तमाम पीटीआई और इनके परिवारों के साथ बच्चे, इनके रिश्तेदार आज जेल भरो का आंदोलन कर रहे हैं और हम यहाँ हुड्डा पार्क में इकट्ठे होकर लगभग 2000 की संख्या में कर्मचारी, मजदूर, किसान, मतलब बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं हुड्डा पार्क में और यहाँ से हाँसी गेट होते हुए पुराना बस स्टैंड हम लघु सचिवालय पर पहुँचे हैं। हम भिवानी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पीटीआई को तुरंत मतलब जेल में पहुँचाने का कार्य करे, क्योंकि आज लगातार पीटीआई का 61वां दिन आंदोलन का और सरकार बातचीत नहीं कर रही। इनको भूखे कगार पर ले दिया, आज इनको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आज इनके बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, इनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, आज इनको मतलब मकान का किराया नहीं दी, दूध के पैसे नहीं दिए जा रहे और सरकार चुपचाप बैठी है। सरकार जो खट्टर साहब है ना, ये कह रहे थे कि हमारी सरकार किसी कर्मचारी को हटाएगी नहीं। आज हरियाणा के अंदर 1983 पीटीआई को तो बिल्कुल बर्खास्त कर दिया और स्वास्थ्य विभाग के 11,000 कर्मचारी हटाने की तैयारी कर रहे हैं। 1 सितंबर को उनका कार्यकाल पूरा करने की सरकार। हम कहना चाहते हैं आज इस जेल भरो आंदोलन के माध्यम से कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का बहाना न बनाए। सरकार ये करे कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। हम कहते हैं हरियाणा सरकार अपने कैबिनेट का मतलब कैबिनेट की विधायी शक्ति का इस्तेमाल करे और इमरजेंसी काल बुलाए कैबिनेट की और इनके पक्ष में एक कानून बनाए, जो गैस टीचर के पक्ष में बनाया था उसी को बनाते हुए इनको तुरंत सेवा में लिया जाए। दूसरा हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं सरकार इस प्रकार के फैसले ना ले। नहीं, हरियाणा का कर्मचारी आंदोलन के लिए सड़कों पर होगा और जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। हम गिरफ्तारी देंगे, अगर प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगा तो हम जबरदस्त बसों में बैठकर जेल में जाएंगे। हम प्रशासन को यहाँ 5 बजे तक निकलने नहीं देंगे, हम कहना चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.